पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा तब शुभ आगे तब शुभ आशीष समागे जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 हिंद बोलो भारत माता की जय अच्छा हिंदुस्तान की जानिब से जिस किस्म का अभी तिरंगा लहराया गया आज क्या कहेंगे सर आज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु नफ़रतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं नफ़रतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं मोहब्बतों के नाम से हम तकल्लुम करते हैं वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं हम तो वतन की खाक से तैमूम किया करते हैं बुजुर्गों और दोस्तों सारे हिंदुस्तानियों को मरकज़ मशायखीन मैसूर की जानिब से जश्न योम आज़ादी की मुबारकबाद सारे कमेटी के अराकीन मशायखीन सूफिया कराम मैसूर के आप हम सब हिंदुस्तानियों को आज जो है एक बहुत मसर्रत का दिन है अल्लाह ताला के फजलो करम से आकाए दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वतन से मोहब्बत रखना ईमान का एक हिस्सा है करको हम हिंदुस्तानियां अपनी वतन की मिट्टी से और वतन वालों से हम बेहद मोहब्बत करते हैं करते रहे हैं और करते रहेंगे और सारे आलम में जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानियाँ हमारे हैं उन सबको जो है जश्न योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं लेकिन सब सूफियाना मिशन हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को एक करने की कोशिश में लगा रहा उसकी तारीख मौजूद है आज क्या कहेंगे सर आज के दिन की खुसूसियत जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके इस सवाल के जवाब में बस इस शेर से जवाब देना चाहता हूँ सबसे पहले ये बात हवाओं को बताए रखना ये बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना
ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की। आज मरकज़ मशायखीन कमेटी की जानिब से तमाम हिंदुस्तानियों को 75 सालाना जश्न योम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करते हैं। मरकज़ मशायखीन कमेटी के तमाम अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हिंदुस्तानियों को मरकज़ मशायखीन के हर एक फ़र्द के जानिब से दिल के गहराइयों से हम जश्न योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ मरकज़ मशायखीन कमेटी से मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, ज़रूरी है, अव्वल फरीज़ा है हम हिंदुस्तानियों का कि हम हिंदुस्तान के ऊपर, वतन के ऊपर जान फिदा करें वक्त आने पर। आज जश्न योम आज़ादी के मौके पर तिरंगे को लहराया जा रहा है, घर घर तिरंगा हो रहा है। जैसा कि हमारे इज्जत माब पीएम मोदी साहब ने कहा कि घर घर तिरंगा होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो कह दिया, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी जो है अपने दिल के गहराइयों से अदबन जो है एहतरामन अपने घर पे तिरंगा लहराया हुआ है। मैं मरकज़ मशायखीन कमेटी के जानिब से इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कौसर न्यूज़ के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को, आज आप जोश में आकर, जज्बे में आकर, खुश होकर जश्न योम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहरा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इसका अदब भी करना ज़रूर याद रखिएगा। ये नहीं कि आज आपने अपने घरों पे तिरंगा लहरा दिया, कल वो हवा के ज़रिए से किसी और के ज़रिए से जो है नीचे गिर गया, उसकी बेअदबी हो। मैं मरकज़ मशायखीन कमेटी की जानिब से तमाम हिंदुस्तानियों को कौसर माध्यम के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है ये पैगाम देना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप हिंदुस्तान का जो तिरंगा है उसे सीने से लगाए रखिए, सिर्फ आज के एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा मरते दम तक ये हमारा फ़र्ज बनता है इस तिरंगे को जो है अदब करना। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।